हेलो गाइस, वेलकम टू बैक माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? वैसे तो अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और मस्त भी होंगे। तो गाइस, सुबह के 6 बज चुके हैं और मैं नहा धो भी लिया हूँ और पूजा पाठ भी हो गया है। पूजा पाठ करने के बाद मैंने थोड़ी सी चाय चढ़ाया है। चाय ये सामने बन रही है, आप लोग देख लो। और मम्मी गई हुई हैं नहाने, तो नहा के वो पूजा पाठ करेंगी, इसके बाद चाय वही पियेंगी वो। और फिर मेरे को आज का शेड्यूल थोड़ा व्यस्त रहने वाला है, तो इसलिए जो भी चीज़ें बाहर की ब्लॉग मिलेगा वो मैं ब्लॉग के अंदर ऐड करूंगा, आप लोग देखना। और ये तोरी को मैंने धो के रख दिया है, इतना सारा है, तो ये बिटिया आके वो बना देगी उनके लिए अभी नाश्ता। अभी हॉस्पिटल में एक्चुअली हो, तो रात में वाइफ के पास में थी वो, तो मैं चला आया था मम्मी के पास। तो अब ये मैंने इसको धो धा के रख दिया है, इसके बाद आके वो सब्जी और रोटी वो बना देगी, तो मम्मी का नाश्ता भी हो जाएगा और फिर मैं भी आके नाश्ता उश्ता करके फिर देखूंगा दिन में क्या होता शेड्यूल, क्या बोलते डॉक्टर्स, फिर उसी हिसाब से काम करना होगा। तो दोस्तों वीडियो में बने रहना, और भी चीज़ें आपको देखने को मिलेगा आगे। दोस्तों ब्लड बैंक के लिए जा रहा था मैं, रास्ते में चीज़ें हैं। पर भाई लोग, आज दिल्ली की गर्मी बहुत ही ज़्यादा है, इतना मौसम हीट है, क्या बताएं यार। मैं तो परेशान हो गया हूँ और हैरान भी हूँ। GK1 न्यू दिल्ली, यहाँ का ये सीन है, आप लोग देखो और इन्जॉय करो। मैं तो अपने काम से जा रहा हूँ और आप लोग को रास्ते का वीडियो मैं दिखा रहा हूँ। आप देखना, ये सामने चिराग दिल्ली का है, रास्ते में ही हूँ मैं। आगे जाके GK वाला अगर मिलेगा तो दिखाऊँ मैं आप लोगों को, आप लोग देखते रहना। और क्या बताएं दोस्तों, थोड़ा परेशानी है, ठीक हो जाए, कोई नहीं, ऊपर बालाजी महाराज बैठे हुए हैं और करेंगे जो भी करना होगा उनको। रास्ते का वीडियो देखा होगा, आज मुझे मजबूरी में ऑटो में जाना पड़ा। अब ये पूछोगे नहीं क्यों जाना पड़ा, एक्चुअली पता, जहाँ मैं सुबह 7 बजे गया था पूजा वूजा करके, जब मैं गया था हॉस्पिटल तो वहाँ पे क्या, मैंने अपनी बाइक लगा दी थी। बाइक में जब मैं उधर से नीचे उतर के आया तो मैं सोचा एक काम करते हैं, अब मैं घर पे चलता हूँ, तो क्या देखा पेचकस लगा के किसी ने वो जो जहाँ लॉक की लॉक नहीं होता उसमें उसको तोड़ दिया पूरा। और वो तो अच्छा हुआ ऊपर वाले की मेहरबानी की, वो जो है खुली नहीं लॉक, क्योंकि जब मैंने बाइक लिया था तो उसी समय वो लॉक उसके साथ ही मिला हुआ था, लगा हुआ था, वो मिला क्या था, लगा ही था। उसने तोड़ने का प्रयास तो बहुत किया बट वो टूटा नहीं। और भैया फिर इसके बाद मजबूरी, अब मैं की लगाया तो की लगी नहीं, इसके बाद फिर मैं 9 बजे का वेट किया, फिर 9 बजे ही लोकल में एक पास में है मैकेनिक, उसको बुला के लाया। हमने बोला इसमें भैया लॉक डालना है, तो उनको बताया कहानी, तो उसने बोला ठीक है भैया मैं भेजता हूँ बंदा, पर उसके पास सिंगल वाला लॉक था, तो वो लॉक लेके और मैंने चेंज करा है। और चेंज करने के बाद फिर मैं डर के मारा, मैंने सोचा जहाँ ब्लड बैंक में जाऊँगा मैं, वहाँ भी बाहरी बाइक लगानी पड़ेगी, पता नहीं कौन वहाँ से फिर तोड़ ताड़ के वो भाई, क्योंकि पहले ओरिजिनल लॉक था, अब लोकल लॉक लगेगा तो फिर वो कुछ महत्व बनता नहीं उसका। हमने बोला यार डर लग गई, तो मैं बाइक ले आके नीचे घर के नीचे लगा दिया था, फिर ऑटो से गया मैं। पूरा हालत ख़राब होगी, गर्मी इतनी ज़्यादा बाहर की, क्या बताएं मैं आपको, पूरा दुखी हो गया यार रात में। अब फिर चलो ठीक है, बच गया, ऊपर वाले ने आज हनुमान जी महाराज ने बचा दिया, नहीं तो पता नहीं यार हमारे तो बहुत ज़्यादा नुकसान की कृपा से। तो अभी फिर हॉस्पिटल तैयार हो यार, मैं थोड़ा सोच रहा हूँ कपड़े वपड़े चेंज कर लेता हूँ, काफ़ी गर्मी सी लग रही है, परेशान हो गया, दिन भर भागम भाग ऐसे यार, कुछ हो नहीं पा रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या होगा। तो ब्लड वलड ले आया, ब्लड चढ़ना चालू हो चुका है और मैं चला गया इधर, चला आया घर पे। अब आके थोड़ा सा मैं नहा लेता हूँ, नहाने के बाद और थोड़ी कपड़े वपड़े चेंज कर लेता हूँ, काफ़ी समय हो गया कपड़े वही पहन रखा है मैंने। तो दोस्तों ज़्यादा बातें मैं कर नहीं पाऊँगा आप लोगों से, तो इस ब्लॉग को कर देते हैं यहीं समाप्त। मिलेंगे फिर अगले वाले ब्लॉग में, उसमें होंगी बहुत सारी बातें। जब तक के लिए आप लोग रखना अपना ध्यान, और मैं तो यार ध्यान रख ही रहा हूँ, जो भी है देखते हैं ऊपर वाला क्या करता है, सब उसी के हाथ में। तो हाँ, तो दोस्तों जब तक के लिए बाय बाय।